एक बार क्या हुआ कि स्कूल टाइम था, उसमें वही 10th 11th 12th का टाइम था। सारे दोस्त खड़े थे एक ही जगह पे, लंच हुआ था, लंच के टाइम खड़े थे सब, रोड पे मजे कर रहे थे। तो हम लोगों के स्कूल में एक बहुत सुंदर लड़की, मतलब कि हम लोगों के क्लास में ही थी, काफी सुंदर थी। उसे लड़के बोलने में या उसके पास जाने से थोड़ा डरते थे, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही डरते थे, एक तो बैक बेंचर, और दूसरे हम लोगों को अपनी शक्ल पे भरोसा भी था कि कोई भाव देने वाली नहीं है, कोई देगी ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, तो जाते ही नहीं थे। उस दिन शर्त लग गई कि चलो इस लड़की को पटाएगा कौन, इसे कौन बात करके दिखाता है। ताव में उस ताव में मैं भी, चलो भाई हम हैं, हम दिखाते हैं, शर्त लग गई। अब साला फटी पड़ी है, इधर दोस्तों से शर्त लगा लिए, इधर लड़की भाई थोड़ी खड़ूस टाइप की, उसको सुंदर, हम लोग बैक बेंचर पीछे बैठने वाले, किसी से मतलब ही नहीं अपने में, मस्त, ना एजुकेशन वगैरह ना कुछ, किसी भी चीज से मतलब नहीं। अब चल पड़े, अचानक गए लड़की से टकरा गए। लड़की बोल रही है, अंधे हो क्या? बोला हाँ, नया नया अंधा हूँ, नया नया अंधा हूँ। लड़की बोल रही है, तू चल कैसे रहे हो? नया नया अंधा हूं, कुछ दिन तो देख ही सकता हूं, इससे कौन सी बड़ी बात है। अब उसके बाद सर की पानी वानी पिलाई जी, थोड़ा सा सैड भी हो गई, सुनते कि बेचारा उसकी कम उम्र में अंधा हो गया, उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा। मैं भी तो कुछ अलग ही रुतबे में था, एक तो दोस्त देखे वहां से, अब उन लोगों की जलन भी स्टार्ट हो गई, ये बात कर रहा है, इतने टाइम से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, लगता है पटा लेगा, बहका लेगा इसको। चलो एक तो इस बात की खुशी हुई कि दोस्त जल रहे हैं, दूसरी फटी पड़ी है कि कुछ बोलना दे। पानी वानी पिलाई, उसके बाद बातचीत हुई कुछ टाइम तक। मैं बोला कि अब मेरा कुछ हॉट पीने का मन कर रहा है, तो उसे पटाना भी तो था, इंप्रेस करना था, हॉट पीने का मन कर रहा है। लड़की थोड़ा सा तिलमिला सी गई, कुछ उल्टा बोल रहा है। बोला नहीं, वो जो सामने दुकान है ना, मैं जब मेरी आंखें ठीक हुआ करती थी, मैं वहाँ पे रोज़ चाय पिया करता था डेली। लड़की समझ गई, चलो अच्छी चाय पिला के लेके आते हैं, लेके गई वहाँ, साथ में दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं, दोस्त अलग जल रहे हैं। मुझे तो अंदर से खुशी हो रही है कि कुछ टाइम का कुछ मौका तो मिला इसके साथ बैठने का, बात करने का, ये मौका मिला, दोस्त जल रहे हैं, वो अलग ही खुशी है। वो कहते हैं ना कि दोस्त फेल होता है तो थोड़ा दुख होता है, दोस्त पास हो जाता है तो उससे ज्यादा दुख होता है। वही चीज है कि यहाँ पे मैं लड़की को इम्प्रेस करने तो आया था, वहां पे थोड़ा सा डरा हुआ था, अब इम्प्रेस कर लिया, उसके साथ बात कर रहा हूं, तो उन लोगों को उससे ज्यादा दुख हो रहा है। मतलब अभी तक कोई बात नहीं किया था, तब थोड़ा दुख था कि कोई बात नहीं कर पा रहा है, अब ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं बातें कैसे कर रहा हूँ लोगों को, उसे कैसे मतलब इंप्रेस कर लिया। चलो तो बातचीत हुई, शर्त खत्म हुई, वापस आए किसी तरह से। अब मेरा एक दोस्त है, नाम तो नहीं लेना चाहते, लेंगे भी नहीं, अभी वो इंजीनियर है, नोएडा में काम कर रहा है, इंजीनियरिंग किया पढ़ने के बाद, इंजीनियरिंग किया नोएडा में काम कर रहा है। उसने कहा, भाई मैं तुमसे कम थोड़ी हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, लगाओ कोई शर्त। सामने से एक कार आती दिख गई, सारे दोस्त लगा लिए सर, चलो इस लड़की को रोककर इसे लिफ्ट लेके दिखा। वो थोड़ा जो मेरा दोस्त है वो थोड़ा सा काला है, काला बोले तो सावला कह सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को काला ही कहता है, हम लोग भी काले कहते हैं, कलुआ कह देते हैं कभी कभी, कुछ भी चल जाता है। तो चल पड़ा वहां पे, गया आगे, रुक गया, लड़की की कार रुकी, रुकने के बाद उसके सामने जाके बोल रहा है, भगवान मुझे जमीन से 2 फुट ऊपर उठा ले, मैं तंग आ चुका हूं अपनी जिंदगी से। लड़की बोल रही, क्या हुआ भाई, क्यों तंग आ चुके हो, मरना चाहते हो? बोला हाँ, क्या करूं, अब यही है, देखो तुम्हारे पास कार है, गाड़ियां हैं, उसके मुलायम मुलायम सीटों पे बैठती हो, हमें कहाँ मौका मिल रहा है, ना तो कार है ना कोई गर्लफ्रेंड है, तो ऐसी जिंदगी से बेहतर है मर ही जाए। तो लड़की थोड़ा समझाते हुए बोली कि क्यों मरना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें ऑफर करती हूँ, चल के मेरे कार के मुलायम मुलायम सीटों पे
बैठ लो। मैं चल पड़ा, सीटों पे बैठा, उस सीट पे बैठा लड़की के, और वो बैठाई भी तो कहाँ, ड्राइविंग सीट है, खुद ड्राइव कर रही है, अपने बगल वाले सीट पे बैठाई। भाई खुशी तो दोगुना हो गई कि एक तो कार में भी बैठ गए, दोस्त देख रहे हैं, उसकी खुशी जो है दुगना हो गई कि कार पे बैठे हैं वो भी लड़की के बगल में, जहाँ कभी कोई भाव नहीं देता था, अब मैं बैठा हूँ किसी के बगल में, किसी लड़की के बगल में बैठा हूँ, वो भी कार में, उसी लड़की की कार है। इस बात की खुशी उसे, ये मेरी पर्सनल थिंक नहीं है, वो सुनी सुनाई बात बता रहे हैं जो उसने बताया है कि जो जो घटना है वहां पे हुई। अब उसके बाद लड़की लेके चल पड़ी कार को, रास्ते में चली, लड़की बोल रही है चलो अब मेरी और तुम्हारी मंजिल एक ही है। तो मेरा दोस्त बोल रहा है मतलब क्या मंजिल एक है, तो वही ईश्वर के पास जाना। मतलब क्या है तुम्हारा, दोस्त बोल रहा है क्या मतलब है तुम्हारा, मरना चाहती हो, मृत्यु? लड़की बोल रही है हाँ, मैं वहां पे जब रुकी तो तुमने भी इच्छा जताई कि मैं भी मरना चाहता हूँ, मैं रुक गई, लड़की वहां पे रुक गई इसको साथ में लेने के लिए। अब लड़की वहां पे कार में जाते समय क्या बोल रही उससे कि भाई देखो मैं इसलिए रुकी, सोची कि अकेले मर रही हूं, अब इसकी भी इच्छा है मरने की, तो बेहतर है एक से बेहतर दो, कहते हैं ना एक से भले दो। तो सोचो अगर दोनों साथ में मरते हैं तो मरने का मजा ही कुछ अलग होगा। लड़की गाड़ी का ब्रेक फेल कर दी थी चलने से पहले ही, गाड़ी ठुक गई, गाड़ी जाके ठुक गई, लड़की को तो मरना था, अब ये तो बेचारा फंस गया था, अभी ये बेचारा फंस गया, करे तो करे क्या करे, ब्रेक लग नहीं रहा है, लड़की सुन नहीं रही है, लड़की को मरना है, उसे एक तो डबल की खुशी कि एक और साथ में मेरे मर रहा है, एक और साथ में मेरे मर रहा है। अभी ये बेचारा चिंतित, गाड़ी ठुकी, दूसरे दिन हम लोग हॉस्पिटल से पहुंचे, हॉस्पिटल में पहुंचे, हाथ में प्लास्टर, पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, पैर टंगा हुआ है ऐसे ऊपर, दोनों पैर ऐसे डॉक्टर ने ऊपर टांग दिया है। अब वहां पे जा रहे हैं तो बेचारे का सर नीचे और पैर ऊपर, पूछ रहे भाई क्या हुआ, लड़की को इंप्रेस करने गया था ना, अबे यार वो लड़की तो मरने के लिए जा रही थी, मैं तो बिना वजह का उसमें फंस गया। उसके बाद बेचारा किसी तरह से 6-7 दिन बाद डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होके घर पे लेके आए। तो उसके बाद जब हम लोग हॉस्पिटल से घर आए उसको लेके, तो घर आने के बाद भाई गर्लफ्रेंड तो बनी नहीं, हम लोग पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ, गर्लफ्रेंड बनाने गया था ना, हाथ पैर ऊपर से तोड़वा लिया। अभी उसकी एक उसे भी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि बंदे ने इसके बाद इंजीनियरिंग किया, जबकि बेसिकली अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि बंदा कैसा भी हो कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो बननी ही है, कोई ना कोई बन ही जाती है, बंदे की गर्लफ्रेंड वहां पे भी नहीं बनी। अभी जॉब कर रहा है वो, 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, जॉब कर रहा है, अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फोन करता है वो, इसके बाद फोन करता है, फोन करने के बाद जब कभी बात होती है, वैसे बात तो अक्सर होती रहती है, बात होती है, बंदा कहता क्या है सबसे पहली चीज, यार गर्लफ्रेंड तो बनवा दे, अब तो बनवा दे, अब नहीं तो कब। अभी उसके बाद हम लोग कभी कभी मजाक करते हैं उससे, पूछ लेते हैं कि भाई कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनी वहां पे, अब तो जॉब कर रहा है, ऑफिस में है। कहता है यार मुझे अपनी शक्ल पे भरोसा है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली, अब तो माँ बाप के ऊपर है भरोसा है कि वो लोग शादी करवा दिए तो ठीक, और ना नल्ला ही मरने वाला हूं।